हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। देखो मैं आज फिर आ गया हूँ आपको एक नए अपडेट, एक नई इन्फॉर्मेशन देने के लिए। यहाँ मैं आपको बता दूँ, पिछले महीने ही 19 जून को एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें नितिन गडकरी साहब ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम सब जानते हैं कि नितिन गडकरी साहब ना फैसले बड़े खतरनाक लेते हैं और जो भी लेते हैं उसे पूरा करके दिखाते भी हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि उन्होंने फैसला लिया है ट्रक ड्राइवर्स के फेवर के लिए। मैं यहाँ बता दूँ, उनका कहना यह है कि जो एक ट्रक ड्राइवर है वो 12 से 13 घंटे जो है ट्रक के अंदर ही बिताता है, कैबिन के अंदर ही बिताता है, और उस टेम्परेचर के अंदर यानी कि बाहर वैसी 45-46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा होता है और उस सड़ी गर्मी के अंदर वो जो कैबिन होता है वो भी भट्टी की तरफ भून रहा होता है, तो उस सड़ी गर्मी के अंदर वो अपने आप को बिताता है, जिसकी वजह से उसका एक स्ट्रेस लेवल, उसकी बॉडी में फैटिकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पीछे उन्होंने कॉन्फ्रेंस में साफ बोला, जितने भी ट्रक मैन्युफैक्चरर थे उनको, कि भाई आपको ना कैबिन में एसी देना मैंडेटरी है, आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितने भी ट्रक मैन्युफैक्चरर्स है वो घबरा गए, वो कहते हैं कि अगर आप ऐसा करते हो तो इससे प्राइस बढ़ेगा, हो सकता है कि इतने कंफर्ट जोन में ट्रक ड्राइवर को नींद आ जाए। तो उन्होंने कहा उनको कुछ नहीं सुनना, उन्होंने साफ बोला कि भाई तुम्हें एसी देना है तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगेन जितने भी ट्रक मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने बोला कि भाई उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो उन्होंने कहा ले लो टाइम, 2025 के बाद आपको ये मैंडेटरी है, देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कई ऐसे ट्रक मैन्युफैक्चरर्स हैं जो आज की डेट में भी एसी देते हैं कैबिन के अंदर, जैसे भारत बेंज हो गया, वॉल्वो हो गया, बट उनकी ना सेल जो है ना इंडियन मार्केट में फिलहाल बहुत कम है, ना के बराबर ही कहूँगा। तो फिलहाल इस चीज़ को देखते हुए मैं कहूँगा यहाँ पे कि जितने भी हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे कि टाटा हो गए और बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बेसिकली बनाते हैं इस चीज़ को, तो उनको बोला गया कि आपको भी देना पड़ेगा। तो 2025 तक की डेडलाइन मिली है, 2025 के बाद जितने भी ये ट्रक होंगे, इनके जो कैबिन होंगे वो एयर कंडीशन होंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताओ कि ये क्या जो ये फैसला लिया गया ये क्या सही था या गलत था, मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपके अंदर क्या फीलिंग आती है इस चीज़ के रिगार्डिंग। बाकी अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो, ठीक है, और नहीं भी चाहिए तो भी सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है, और इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।